मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रियंका। तो आज हमारा घर पे दूसरा दिन है और सुबह का जितना भी काम था ना हमारा सब कुछ हो चुका है। सुबह का जो भी काम आता था मैंने सुबह से बनाई हुई वीडियो। तो सुबह अभी बज रहे हैं 10:30। तो 10:30 बजे हमने रख दिए हैं बड़े वाले जो चने नहीं होते हैं वो भिगो के रखे थे हमने, तो उसकी दाल बनाएंगे हम छोले टाइप में। तो वो मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया है यहाँ पे। और दोपहर का वही खाना बनने की तैयारी हो रही है। भाभी बाहर काम कर रही है, पानी वानी देने का जानवर को, तो मोटर चला रखी है, उससे जो है जानवर को पानी दे रहे हैं। और मैं अंदर किचन में खाना पीना बनाने का काम कर रही हूँ। और बाहर ना बहुत तेज धूप हो रही है, मैंने आउटर पहन लिया है क्योंकि बहुत तेज स्किन ना जलती है। तेज धूप में अगर बाहर निकले तो स्किन जलती है। तो बाहर काम चल रहा है और मेरे मतलब जितना काम मुझे करना था उतना काम मैंने कर लिया। और नहाना धोना भी हमने सुबह ही कर लिया था। सुबह जल्दी उठ गए थे हम, यहाँ पे 5:30 बजे उठ गए थे। और 5:30 बजे उठने के बाद जो भी काम होता है ना वो कर लिया। पापा ने जो है दूध भी निकाल लिया था जानवरों का, दो गायें हैं दूध देने वाली, उनका दूध निकाल लिया था। मैं तभी उठ गई थी उस समय। तो सुबह का झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, नहाना धोना सब हो चुका है। और बस वही दोपहर का खाना वाना बनाएंगे, तो उसके बाद वही बर्तन वर्तन धोना, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। और शाम के 4 बजे से फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चाय बनाना। और फिर हम जाएंगे भाभी और मैं खेत से थोड़ी थोड़ी हरी घास काट के लेके आएंगे, जो कि हमें आ तो नहीं रहा है काटना। मतलब जो सीधी घास होती है ना वो तो कट जा रहा है, और जो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं वो कटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। कल तो बहुत मुश्किल से काटा और आज हम ना थोड़ी जल्दी चल जाएंगे। कल शाम हो गई थी इसीलिए कट नहीं रहा था, एक तो दिख भी कम रहा था और वो भी हो रहा था। आज थोड़ा हमें ज़्यादा काटना है, भाभी और मैं जाएंगे घास काटने शाम को, घास थोड़ा ज़्यादा काटना है। पहले तो मम्मी काट के गई थी इसीलिए इतना काटना नहीं पड़ रहा था। और फिर घास वास काटेंगे और बहुत काम रहता है गांव में, बहुत ज़्यादा शाम को बहुत काम रहता है। अभी जानवरों का काम धाम रहेगा तो सब करेंगे। और मैं ना बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, मतलब इतनी काम करने की आदत नहीं रही ना, छूट गई अब बिल्कुल काम, मतलब दौड़ा भागी नहीं मैं थक जाती हूँ। तो भाभी थोड़ी सी हेल्प भाभी कर दे रही है, पापा बहुत काम करते हैं, पापा कर दे रहे हैं तो हो जा रहा है काम। मम्मी देखो कितने दिन में आती है, मम्मी से बात बहुत मुश्किल से होता है। मैंने वीडियो व्हाट्सअप में वीडियो कॉल की थी अपने मामा को, तो तब जाके मम्मी से बात हुई। और मम्मी 2-3 दिन में आएंगे और 2-3 दिन में मम्मी के आने तक जो है जितना काम रहता है वो हमें संभालना है। तो 2-3 दिन में पता नहीं क्या हालत होने वाली है, मतलब काम हम कैसे करेंगे पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा काम होता है। तो देखो क्या होता है, हालत ख़राब हो चुकी है। मतलब यहाँ से जाने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है मैं 2-3 दिन बिस्तर पकड़ लूँगी, मतलब 2-3 दिन मुझे फुल आराम चाहिए, बहुत थकान लग जाती है यहाँ से जाने के बाद। है जो भी हो 2-4 दिन करना ही पड़ेगा, जब तक मम्मी आनी है तब तक तो संभालना ही पड़ेगा। और थोड़ी देर सीटी लगाएंगे इसको। नाश्ता हमने सुबह कर लिया था, मैं बालगिरी बना मन नहीं कर रहा है। और इसमें ना ये कलश है, इसमें पानी रखा है हमने पीने के लिए, ढक्कन लगा के। इसका पानी पीने से मतलब बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती है, मतलब ये तांबे का होता है। तो तांबे के बर्तन में ना पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए जो है मैं ताज़ा ताज़ा पानी लेके आ गई हूँ, मैंने इसमें भर दिया है खाना बनाने के लिए। तो अभी बहुत सारा काम बचा है तो वो कर लेते हैं और थोड़ी देर में लेके आती हूँ। फिर पापा कितना हो गया देखो, पापा देखो तुम यहाँ हेल्प के लिए आ गई चाची। हेलो एवरीवन,
हम आ गए हैं खेत में घास काटने के लिए। तो भाभी और मैं घास काट ही रहे थे तब तक चाची आ गई हैं और उनकी स्पीड तो बहुत तेज़ थी क्योंकि वो काटती रहती हैं। तो हमारी गप्पे भी चल रही थी और चाची ने फटाफट से जो है जितना घास हमें चाहिए था उतना काट दिया। और देखिए कितना सारा घास था ना यहाँ पे कल परसों तक, तो ये पूरा इतना जो है दो दिन में इतना सारा घास यहाँ पे कट के खाली हो चुका है। तो घास चाची काटते रह रही थी और पापा और हम लोग भाभी मिलके मतलब इसको घर लेके जा रहे थे यहाँ से। तो इतना सारा जो है घास कट चुका था जानवरों के लिए और हमारी ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी चाची ने, वरना हमसे तो मतलब ना बहुत टाइम लग जा रहा था काटने में। तो फर्स्ट दिन ही ऐसा हुआ जो भाभी और मुझे काटना पड़ा, बाकी दिन तो चाची जो है दो तीन दिन आके उन्होंने ही काटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पे आ गए हम, ये देखिए बोरिंग है। तो गांव में ना ऐसे इसे बोरिंग कहते हैं, मतलब ये ऐसा होता है इसमें पानी ना चलता रहता है, कंटिन्यू पानी इसमें आता रहता है। और जब भी इसमें पानी ना जब किसी को ज़रूरत नहीं होती पानी की तो इसको बंद भी कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से तो इसे बंद नहीं किया जा सकता है, बट इसका पानी जो है कम आए इस तरीके से इसे बंद करते हैं। तो चाची यहाँ पे भी ये जो घास है इसको काट रही है और इस घास को काटने से ना थोड़ी सी खुजली सी होती है, तो हमने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया, बाकी सब चाची ने हेल्प कर दी थी। तो जब तक मम्मी नहीं आती तब तक उन्होंने ही बहुत हेल्प कर दी है। और शाम हो चुकी है, ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है और खेत जो है कैसे दिख रहे हैं। और भाभी तो यहाँ पे हम लोग हाथ मुंह धो ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ना हम ज़्यादा नहीं हमने बस थोड़ा बहुत काटा, तो हाथ मुँह धो लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे घर, चाय वाय बनाएंगे। तो हमने थोड़ी देर पहले कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, अब हम बनाएंगे, चाची भी आई हैं उनके लिए भी चाय बनाएंगे। तो ये है चाची, यहाँ का काम भी फिनिश हो गया है। और ये पानी ना मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना बचपन में हम यहाँ पे नहाते थे, अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पे जितने भी परिवार है ना गांव में अगल बगल सब भी यहाँ पे आके यहीं से पानी लेके जाते थे, बट अब ना कोई नहीं आता यहाँ पे, ये अब हम ही लोग जाते हैं बस यहाँ पे, क्योंकि अब सबके घर में ना वो मतलब वो हो चुके हैं टैप वगैरह लगे हुए हैं, तो कोई भी नहीं आता, बिल्कुल खाली सा रहता है। तो यही है गाँव का, दिखने में कितना प्यारा लग रहा है ना, बट गांव की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है बहुत ज़्यादा। हम हाथ मुँह धो लेते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे मस्ती कर रहे थे भाभी और मैं, पानी को देख के तो मतलब ना बिल्कुल उसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, नहाने का मन कर रहा था। तो हाथ मुँह धो लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। घर आ चुके हैं हाथ मुँह धो के और मैंने बना दी है चाय। चाय के साथ ना मैंने हल्के फुल्के जो पापड़ होते हैं वो मैंने चाची के लिए तल दिए हैं, तो थोड़े तो हमने ना अपने लिए भी तले हुए थे शाम को ही जब हमने चाय बना दी तब हमने हमारे लिए भी तले थे, तो हमने कहा चलो चाची के लिए भी तल लेते हैं। तो गाइस चाय वाई पी लेते हैं और उसके बाद फिर तो और भी काम है उससे निपटाएंगे, थोड़ी देर बातें भी कर लेंगे चाची से। तो काफ़ी देर हो गई थी हमें बातें करते करते। चाय और पापड़, चाय की शौकिंग है भाभी। ऑर्डर पे सामान आ जाता है यहाँ। होम डिलीवरी आ गई है हमारे गांव में। होम डिलीवरी हुई है हमारे गांव में। हाँ। वो एक और थी जोमेटो वाली। फट से। ये हैं सब्जियाँ जो कि वॉश करने के लिए हम बाहर लेके आ गए हैं और मैं जाऊँगी पानी भरने के लिए, पानी भर के ले आते हैं। मम्मी का
वहाँ पे है नल गाइस। हाँ पापा, इसको वहीं पे ही डाल के आ जाओ प्रात में, मैं थोड़ा सा पानी लेके आ जाती हूँ। जानवरों का खाना बन रहा है आग में। ये घर चुका है और देखिए शाम हो चुकी है और मार्केट से सब्जी आ चुकी है, तो नल पे मैंने रख दिया है। बट ना मुझे हम नल से भी पानी ले सकते हैं, बट नल का पानी ना वैसे तो अच्छा है, बट फिर भी ना हमें ना वहाँ से पानी पीना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वहीं से ही पानी लेके आती हूँ। कलर जो तांबे का कलर्स था मैं उसमें पानी लेके आ गई हूँ। और उसके बाद ना थोड़े से बर्तन रहते हैं, बर्तन धोते हैं, सब्जी लेके आए, सब्जी वॉश करते हैं और रात के खाने की तैयारी करते हैं और वीडियो का भी एंड करते हैं, क्योंकि फटाफट से फिर काम करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए नए बने हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के बाय एवरीवन।